मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा इस समय आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस की तरफ से खेल रहे हैं और इस सीजन रोहित शर्मा बतौर कप्तान नहीं बल्कि बतौर एक खिलाड़ी की तौर पर खेल रहे हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट्स की माने तो मुंबई इंडियंस के लिए रोहित शर्मा का यह आखिरी सीजन है और यह शस्त्र के बाद ये किसी दूसरी टीम के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके साथ ही अब खबर आ रही है कि एलएसजी के मौजूदा कप्तान केएल राहुल की आगामी शस्त्र में टीम का हिस्सा नहीं होंगे और वो भी किसी दूसरी टीम के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा के बारे में कहा जा रहा है कि आईपीएल के आगामी शस्त्र में एलएसजी की टीम की कप्तानी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। कहा जा रहा है कि एलएसजी के कप्तान केएल राहुल इस शस्त्र के बाद टीम के साथ नहीं होंगे और इसी वजह से मैनेजमेंट कप्तान के तौर पर रोहित शर्मा को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर सकती है। रोहित शर्मा बतौर आईपीएल कप्तान बहुत अधिक सफल हुए हैं और कप्तान के तौर पर उन्होंने 5 ट्रॉफी भी अपने नाम की हैं। एलएसजी के कप्तान केएल राहुल के बारे में कहा जा रहा है कि बीते दिन कई बदतमीजी के बाद ये आगामी शस्त्र में टीम के साथ नहीं रहेंगे और दूसरी टीम के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट की माने तो केएल राहुल आगामी शस्त्र में मुंबई इंडियंस टीम के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। केएल राहुल के सबसे करीबी दोस्त हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं और इसी वजह से कयास लगाए जा रहे हैं कि हार्दिक पांड्या उन्हें हर हाल में अपने स्क्वाड में शामिल करने की कोशिश करेंगे। एलएसजी के कप्तान केएल राहुल के बारे में कहा जा रहा है कि ये जल्द ही टीम का साथ छोड़ने वाले हैं। 8 मई को हैदराबाद के खिलाफ मैच में मिली हार के बाद टीम के मालिक संजीव अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाए और मैदान में आकर उन्होंने टीम के कप्तान की क्लास लगा दी। संजीव के इस व्यवहार के बाद उन्हें लगातार ट्रॉल किया जा रहा है और इसी वजह से कहा जा रहा है कि अब केएल राहुल टीम के साथ नहीं जुड़ेंगे। आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।